आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन 5 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंपास, स्केल और पेंसिल, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। पहले हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और क्वेश्चन को समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन सेकंड, परपेंडिकुलर्स, एग्जांपल 5, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। क्वेश्चन, लाइन ए बी इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, पॉइंट पी इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस अबव लाइन ए बी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी फ्रॉम पॉइंट पी। हिंदी प्रश्न विभाग दूसरा, लंब रेखा, उदाहरण 5, दिए गए रेखा पर उसके बाहर दिए गए बिंदु से लंब निकालो। प्रश्न, रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर लंबी है, उस रेखा के ऊपर वाले हिस्से में कुछ दूरी पर पी बिंदु लेना है, इस पी बिंदु से रेखा ए बी पर लंब निकालना है। मराठी प्रश्न, रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर लंबीची आहे, या रेषेच्या वरच्या बाजूला काही अंतरावर पी बिंदू घ्या, या दिलेल्या पी बिंदूतून रेषा ए बी वर लंब काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिए गए अनुसार हमें पहले 8 सेंटीमीटर लंबी वाली ए बी लाइन को निकालना है, इसे नाम देना है ए बी, इसका डिस्टेंस यहां पर लिखना है 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के आगे, प्रश्न क्या है, रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर लंबी है, ए बी रेखा हमने 8 सेंटीमीटर ली, उस रेखा के ऊपर वाले हिस्से में कुछ दूरी पर पी बिंदु लेना है, ए बी लाइन के ऊपर वाले हिस्से पर पी बिंदु लेना है, वो पी बिंदु हमें अंदाज से अप्रोक्सीमेटली लेना है। आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, किधर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लेता हूँ इस तरह से पी बिंदु, इसको नाम दिया मैंने पी क्योंकि क्वेश्चन में बिंदु का नाम दिया है पी। क्वेश्चन में जैसे नाम दिए हैं वैसे ही नाम आपको यहाँ पर देने हैं। अब इस पी बिंदु से इस रेखा ए बी पर हमें क्या करना है, लंब निकालना है, यानी 90 डिग्री का हमें एंगल करना है, लेकिन वो कैसे, प्रोटेक्टर की मदद से नहीं तो कंपास और राउंडर की मदद से उसे हमें निकालना है। अब हमें राउंडर कंपास लेना है, कंपास का स्टील वाला पॉइंट इस पी पॉइंट पर रखना है और कंपास में पी से ए बी लाइन के नीचे तक, यानी ये डिस्टेंस जो है ये हमें अंदाज से अप्रोक्सीमेटली लेना है और यहाँ पर इस प्रकार से एक आर्क बनाना है, इस प्रकार से इस आर्क ने ए बी लाइन को यहां पर और यहां पर दो जगह पर क्रॉस किया है, वहां पर बिंदु डार्क करना है, पॉइंट लेना है, इस वाले पॉइंट को नाम देना है एक्स और इस वाले पॉइंट को नाम देना है वाई। इसके बाद यक्स इस पॉइंट पर हमें ये कंपास का राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर एक्स वाई के हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली अंदाज से इसमें डिस्टेंस लेना है और निचले वाले हिस्से में, एक्स वाई के निचले वाले हिस्से में हमें एक आर्क निकालना है इस प्रकार से। इसी डिस्टेंस से वाई पॉइंट से, वाई बिंदु से इस आर्क पर दूसरा आर्क निकालना है इस प्रकार से। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहां पर पॉइंट लेना है और उसे नाम देना है क्यू। उसके बाद ये पी वाला पॉइंट और क्यू वाला पॉइंट, इसे हमें लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से,
और ये पी क्यू लाइन ए बी लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर गई है, यहाँ पर नाम देना है ओ। ये ओ पी हो गया ए बी लाइन पर लंब यानी परपेंडिकुलर। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करते समय ए बी लाइन का जो डिस्टेंस है उसे चेंज करना है, इनके नाम भी चेंज करने हैं और प्रैक्टिस करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।